अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी टीचर कासिम के टीके। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन के आखिरी टॉपिक के साथ मैं हाजिर हूँ। ये आठवां वीडियो लेक्चर है इस पर। इससे पहले हमने थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन पर भी 3 वीडियो लेक्चर अपलोड किया है, तो काइंडली और वो सारे वीडियो लेक्चर इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन लिंक्स में आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप देखना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर देखें ताकि आपका एवोल्यूशन के मुतालिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहली बात तो ये है कि आज मैं एविडेंस लेने आ रहा हूँ। तो डियर बीइंग, अब दो किस्म के आइडिया है। एक आइडिया है थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का कि भाई लामार्क एक बात करता है, फिर डार्विन, फिर इसके बाद मेंडल्स। अब एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन का, कुन फयकुन, जो कि रिलीजियस जो थियस ग्रुप है जो कि मज़हब को एक खुदा को मानते हैं वो इसी पर बिलीव करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वहुवल्लज़ी अंशाकुम मिन नफ्सिन वाहिद, तो इसी पर बिलीव करते हैं। आज मैं आपको एवोल्यूशन पर एविडेंस दूंगा, लेकिन मावराए मज़हब के, ठीक है ना। ये बात आप डियर स्टूडेंट, ये अब भी डिबेटेबल है ये चीज़ कि आया एवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है, इस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ात है। लेकिन आपके कोर्स के हद तक जो एवोल्यूशन के एविडेंस आपको दिए गए हैं उनको मैं आपके लिए आसान अंदाज में आपके लिए पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखते हैं सबसे पहले एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन का, इस टॉपिक का क्या मतलब है। इस टॉपिक का मतलब है कि आया एक स्पीशी जो आज से 3.5 बिलियन ईयर एगो है, ये उसी तरह की स्पीशी है जो आज है, नहीं। तो आपका जवाब अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि इसके एंसेस्टर में और इसके डिसेंडेंट में क्या हुआ है, मॉडिफिकेशन हुआ है, कोई चेंजेस आए हैं, तो उनसे नई स्पीशी बनी है, तो इसी का नाम क्या है, एवोल्यूशन है। तो हम देखना चाहते हैं इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि आया वाकई मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ एग्जांपल से हम साबित करने जा रहे हैं कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो फिर उस वो किस अंदाज में हुआ है, और बायोलॉजी के मुख्तलिफ ब्रांचेस का हवाला देकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो अपने जाना भी नहीं है, इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह मेरे साथ ही रहेंगे। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले एविडेंस जो दिया है आपके कोर्स में, एविडेंस फ्रॉम कंपेरेटिव एनाटमी। अब एनाटमी क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर है। जब हम वर्टिब्रेट के या ऑर्गेनिज्म के या स्पीशी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं, बोन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्केलेटन के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो फिर हमें एक बात यहां से भी नजर आ जाती है कि स्पीशी में एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है ना। अब जी ये एवोल्यूशन दो किस्म का हुआ है। एक कंपेरेटिव एनाटॉमी में एग्जांपल है होमोलोगी, और दूसरा है एनालोगी। होमोलोगी का मतलब है होमोलोगस आर्गन, एनालोगी का मतलब है एनालोगस आर्गन। अब होमोलोगस आर्गन किसी कहते हैं, वो आर्गन जिसका स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो, तो फिर ऐसे आर्गन को हम कहते हैं होमोलोगस आर्गन, ठीक है। अब जी होमोलोगस आर्गन का मिसाल ये है कि ह्यूमन बीइंग का जो बाजू है और बेट यानी चमगादड़ जो कि मेमल है उसकी जो विंग्स है, और केट या हार्स के जो लेग है, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम एनाटॉमी को देखते हैं तो ये हमें सेम नजर आते, डिफरेंट नजर आते हैं, सेम नजर आते हैं, लेकिन जब हम इसके फंक्शन को देखते हैं तो फंक्शन इन सब का डिफरेंट होता है मुख्तलिफ एनवायरमेंट में। ह्यूमन आर्म के जरिए हम ग्रेप
ग्रिप्सिंग करते हैं यानी चीजों को पकड़ते हैं। बेट विंग के जरिए वो उड़ता है यानी फ्लाइंग करता है। अब यहां पर फंक्शन डिफरेंट हो गया। कीट या हार्स के लेग्स के जरिए वो रनिंग करता है। अब रनिंग, फ्लाइंग, होल्डिंग या ग्रिपिंग, ये सब अलग अलग काम है। अगर जब हम इसकी इंटरनल एनाटॉमी को देखते हैं तो फिर हमें ये एक ही स्ट्रक्चर नजर आते हैं। तो ऐसे आर्गन को हम कहते हैं कि होमोलोगी है, होमोलोगस आर्गन। अब जी इसमें इसका क्या मतलब है, ये इस एग्जांपल से ये शो हो रहा है कि इवोल्यूशन हुआ है लेकिन ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मिसाल के तौर पर ये यहां पर स्पीशी है 50-60 स्पीशी है इस माहौल में, मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ है ए। अब जी क्या होता है कि एनवायरमेंट में किसी चेंज की वजह से ये स्पीशी, कुछ स्पीशी इधर चले जाते हैं मकाम बी की तरफ और कुछ स्पीशी मकाम सी की तरफ चले जाते हैं। क्लियर? अब जी ये इन स्पीशी का यहां इस ए मकाम से, इस ए एनवायरमेंट से सी एनवायरमेंट या बी एनवायरमेंट की तरफ जाने से, अगर से इसका स्ट्रक्चर तो सेम है, यहां पर मिसाल के तौर पर बेट आ गया तो उसने उस स्ट्रक्चर को उड़ने के लिए इस्तेमाल किया, ठीक है, और यहां पर जो रह गया वो मिसाल के तौर पर कीट यहां पर रह गया, इसने उसी स्ट्रक्चर को रनिंग के लिए, अब इस एनवायरमेंट में वो रनिंग तो कर सकता है, उड़ नहीं सकता, तो यहां पर इसने रनिंग की उसी स्ट्रक्चर से, और इस मकाम पर क्या है, ह्यूमन आ गया है जो कि यहां पर सिर्फ वो ग्रिस्पिंग करेंगे यानी पकड़ेंगे उसी स्ट्रक्चर को, यहां पर वो ग्रिपिंग के लिए इस्तेमाल करता है। तो अब देखो इसी ये इसका जो इंसिस्टर है वो कॉमन है ना, एक ही जगह से सारे स्पीशी निकले हैं, ठीक है ना, मुख्तलिफ किस्म के एनवायरमेंट में जाने से अब एक नया इवोल्यूशन डिवेलप हो जाता है। यहां पर एक अलग स्पीशी, यहां पर एक अलग स्पीशी, यहां पर एक अलग स्पीशी, तो ऐसी इवोल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर? अब जी इसका ये मतलब है कि इसका इंसिस्टर जो है वो एक है, कॉमन है, और इसकी डिसेंडेंट में मॉडिफिकेशन हुई है। ये एक इवोल्यूशन के लिए एक बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर? अब जी दूसरी जगह पर एनालोगी में जाए, एनालोगी किसे कहते हैं, एनालोगस आर्गन किस आर्गन को कहते हैं, वो आर्गन जिसका स्ट्रक्चर तो डिफरेंट होता है लेकिन फंक्शन उसका सेम होगा, तो ऐसे आर्गन को हम कहते हैं एनालोगस आर्गन। ठीक है, इसका मिसाल देखिए कि हमारे साथ बेट जो एक चमगादड़ है, उसकी विंग है वो उसको फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि इंसेक्ट विंग है जिसका इंटरनल एनाटॉमी अलग है वो भी उसके जरिए उड़ती है, जबकि बर्ड्स की भी विंग्स है वो भी इसके जरिए उड़ती है, जबकि बेट, इंसेक्ट और बर्ड्स, ये क्लास एवेस का, ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का, ये क्लास मेमल का एनिमल है, इन तीनों का क्लासेस अलग अलग है। इंसेक्ट तो इतना अलग है कि ये तो सिरे से कार्डेट ही नहीं है, ये तो इनवर्टिब्रेट में आता है, लेकिन इनके विंग्स के अंदर स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से फिर भी वो काम वही करता है जो कि बेट करता है, जो कि इंसेक्ट करते हैं, जो कि बर्ड्स करते हैं। इसका क्या मतलब है, तो ऐसे आर्गन को हम कहते हैं एनालोगस आर्गन, और एनालोगस आर्गन हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को कास करता है। ठीक है ना, इवोल्यूशन कास करता है, क्या है, कन्वर्जन। इसका यही मिसाल मैं आपके लिए करता हूं कि यहां पर एक इस एनवायरमेंट में मकाम बी पर चमगादड़ रहता है, यहां पर वो उड़ता है, और मकाम ए पर, ठीक है,
यहां पर हमारे साथ इंसेक्ट है पहले से, अब मकाम सी पर इस एनवायरमेंट में हमारे साथ बड़ा है। ठीक, अब देखो ए एनवायरमेंट, बी एनवायरमेंट, सी एनवायरमेंट, अब जी क्या हुआ, माहौल में चेंजेस की वजह से अब इन बी और सी के एनवायरमेंट में चेंज आ गया, तो ये जानवर यहां पर आ गए सारे। बेट भी इधर आ गया, बर्ड्स भी इधर आ गया, और इंसेक्ट तो पहले से मौजूद था। अब जी इसके जो विंग्स का जो स्ट्रक्चर था वो तो डिफरेंट था, ठीक है, लेकिन यहां पर इस एनवायरमेंट में, ए एनवायरमेंट में, यहां पर आप सिर्फ उड़ सकते हो, ये सूटेबल चेंज है, अदरवाइज आप खत्म हो जाएंगे। तो यहां पर तीनों जानवरों ने अपने विंग्स को रनिंग या दूसरी चीजों के अलावा उड़ने के लिए इस्तेमाल किया। तो आज भी हमें यही चीज नजर आ रही है। तो इस इवोल्यूशन को कहते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि बहुत डिफरेंट ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में इकट्ठा होकर अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन सेम करे, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। यहाँ पर एंसेस्टर डिफरेंट होगा लेकिन डिसेंडेंट एक ही हो जाएंगे, आपको एक ही तरह के एनवायरनमेंट में मुख्तलिफ स्पीशी नजर आएंगे, सारे उड़ेंगे, उड़ने का महफल होगा, और ऐसे महफल को हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, एक जगह पर जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हमें कंपेरेटिव एनाटॉमी में ये हेल्प देते हैं कि वाकई एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, तो ये दूसरा है फासिल पर, स्टडी ऑफ फासिल स्कॉल पेलेंटोलॉजी। अब जी पेलेंटोलॉजी के हवाले से क्या है, वो क्या करेगा, वो हमें साबित करेगा पेलेंटोलॉजिस्ट कि भाई क्या वाकई क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है। फॉसिल रिकॉर्ड वो वैलिड एविडेंस है कि जिसके बिना पर आप कह सकते हो कि हां एवोल्यूशन हुआ है, हां एवोल्यूशन नहीं हुआ है। तो दिस इज द मोस्ट वैलिड पॉइंट। ये बात याद रखिए कि फॉसिल उस वक्त बनेगा, फॉसिल के बनने के लिए एक तो बॉडी का हार्ड पार्ट होना जरूरी है, सॉफ्ट पार्ट के फासिल नहीं बनते, मांसवाए अगरचे कुछ मिले हैं, वो बहुत रेयर है, अगर बर्फ में किसी कोई जानवर उसके अंदर आ जाए, डूब जाए, ठीक है ना, उसके ऊपर बर्फ आ जाए, ग्लेशियर आ जाए, और लाखों साल तक वो इसी में पड़ा रहे बगैर बैक्टीरिया उनके एक्सिस वहां तक न जाए, तो फिर सॉफ्ट पार्ट की भी फासिल बन सकते हैं। लेकिन अक्सर फासिल हार्ड पार्ट के होते हैं कि जो कि मिलियन ऑफ ईयर उस पर गुजरे हो और उस पर बैक्टीरिया ने किसी किस्म की डिकम्पोजिशन न किया हो। तो ये बात डियर आपकी जहन में होने चाहिए। तो जी अब जी फासिल का हमें किस तरह पता चलेगा, जब हम प्रोकैरियोट के फासिल को देखते हैं तो प्रोकैरियोट का तो हमारे साथ फासिल रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना, लेकिन यूकैरियोट के फासिल रिकॉर्ड हमारे साथ मौजूद है। 1861 में एक बर्ड जर्मनी में आर्चिप्टेरिस, उसके फासिल रिकॉर्ड हमें मिल गए पैलेंटोलॉजिस्ट को। अब जी पैलेंटोलॉजिस्ट को जब फासिल रिकॉर्ड मिल गए, आर्चिप्टेरिस वो बर्ड्स था जो कि 150 बिलियन ईयर इगो उसने अपने लाइफ गुजारी थी, उसमें जो करेक्टर थे वो बर्ड्स की तरह उसका बीक था चोंच, जबकि रिप्टाइल की तरह उसकी टीथ भी थे, इसी तरह बर्ड्स की तरह उसका लॉन्ग टेल था, ठीक है, जबकि मूवेबल फिंगर विद ग्लास थे रेप्टाइल की तरह। अब यहां पर ये क्लियर कट ये फॉसिल रिकॉर्ड शो कर रहा है कि ये बर्ड्स और रेप्टाइल के दरमियान लिंक को ये शो करती है, क्योंकि आर्चिप्टेरिस
कि फासिल इस लिंक को शो कर रहा है। यहां पर मैं आपको डियर स्टूडेंट एक बात और भी बताऊं, एक होता है मिसिंग लिंक और एक होता है कनेक्टिंग लिंक। अगर एक लिंक, अगर एक करेक्टर किसी दूसरी आज की स्पीची के साथ लिंक हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। अगर एक करेक्टर आज की स्पीची में नहीं मिल रहा है तो फिर उसको हम कहते हैं मिसिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक और मिसिंग लिंक पैलेंटोलॉजी में इंतहाई इंपॉर्टेंट के हामिल है, और इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हाँ या एवोल्यूशन हो चुका है, क्योंकि फॉसिल रिकॉर्ड क्लियर कटर चैप्टर इसकी जाहिर कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज, इसके अलावा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर जैसे हमारा उम्र, हमारा एज सालों और महीनों में होता है, इसी तरह इस अर्थ का भी एज होता है एरा और पीरियड में, ठीक है ना। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा 40 साल 3 महीने है, इसी तरह अर्थ का हम एरा बड़े लेवल पे और पीरियड उस एरा में है। जब हम वहां पर देखते हैं, जब एक पैलेंटोलॉजिस्ट जमीन को कूदना शुरू कर देते हैं तो एक पीरियड में उसको एक किस्म के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और दूसरे पीरियड में उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म जमीन पर मिलते हैं और फिर तीसरे पीरियड में फिर तीसरे किस्म के ऑर्गेनिज्म उसको मिलते हैं, और फिर जब इन तीनों ऑर्गेनिज्म का वो मुशाहिदा करते हैं तो उसमें कुछ लिंक्स कनेक्टिंग होते हैं और कुछ लिंक मिसिंग होते हैं। तो इस बुनियाद पर पैलेंटोलॉजिस्ट इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है कि हाँ वाकई इसका इंसिस्टर किया था एक था। क्लियर। तीसरी बात, एविडेंस फ्रॉम विस्टिजल ऑर्गन। विस्टिजल ऑर्गन डियर स्टूडेंट वो ऑर्गन होते हैं जो कि मौजूद तो होते हैं लेकिन काम नहीं करते, फंक्शनल लेस, उन ऑर्गन को हम कहते हैं विस्टिजल ऑर्गन। द ऑर्गन विच आर प्रेजेंट बट फंक्शनल लेस। अब जी इसके एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कीवी और आस्ट्रिच में जो विंग्स है, अब ये उड़ नहीं सकता, शतरमुर्ग और बतख, ये कीवी, ये बर्ड्स उड़ नहीं सकते, ये रनिंग बर्ड्स में है, ठीक है ना, लेकिन विंग्स मौजूद है। अब ये विंग इसके लिए क्या है, वेस्टिजल है। इसी तरह पेल्विक बोन, यहां पर जो बोन होती है पेल्विक, स्नेक और व्हील में ये क्या है, ये मौजूद है लेकिन वो किसी काम के नहीं है। कोसाइक्स, हमारे बॉडी में जो टेल बोन है, जहां जो दूसरे जानवरों में जहां से टेल शुरू निकलता है, हम में ये रिड्यूस हो चुके हैं क्योंकि अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान एक छोटा सा पार्ट है जो कि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था पहले ज़माने में। लोग चूंकि पत्ते ज़्यादा खाते थे तो इस आर्गन का वहाँ पर ज़्यादा फंक्शन था, लेकिन फिर जब लोगों ने पत्ते खाना छोड़ दिए तो अपेंडिक्स चूंकि उसको डाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता था तो फिर ये भी वेस्टिजल बन गया। तो इसके अलावा एयर मसल है, इससे पहले तमाम दुनिया के लोगों में उसके एयर में मसल होते थे और वो अपने कान को घुमा सकते थे, जैसे केट या डॉग जो घुमाने में अभी भी घुमा सकते हैं, या डंकी, लेकिन हम उसको नहीं घुमा सकते। ये चूंकि एयर मसल हमने, और वो क्यों घुमाते हैं, टू कलेक्ट साउंड वेव इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, इसी तरह जब इंसान कपड़े नहीं पहनते थे तो उसके बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल थे, लेकिन जब उसने अपने बॉडी को छुपाने के लिए कपड़ों का क्लॉथिस का इस्तेमाल किया तो उस वजह से एयर हेयर जो है, बाल जो है बॉडी पर कम आ गए, कई जगहों पर बाल अब नहीं आते थे, जैसे कानों पर, सीने पर, मुख्तलिफ जगहों पर पहले लोगों में बहुत ज़्यादा बाल नज़र आते हैं, आज नज़र नहीं आता। तो ये एविडेंस है इसका, क्या है कि इसका एंसेस्टर क्या है, कान है। एविडेंस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ब्लड सीरम में जब हम स्पेसिफिक प्रोटीन को देखते हैं, ठीक है ना, जो कि एंटीबॉडी और एंटीजन की रिएक्शन करते हैं, सीरम वो ब्लड में वो चीज है जो कि लिक्विड सूरत में होती है। अब जी क्या है, ब्लड सीरम अगर इंसान और एपिस का आप स्टडी करें तो आपको एक जैसा नजर आएगा। ब्लड प्रोटीन कार्निवोर का, डॉग, लाइन, केट और हर्बिवोर का, काउ, गोट, शीप,
इनका जब आप ब्लड प्रोटीन टेस्ट करेंगे तो आपको एक जैसे नजर आएंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम एमाइलेज का, जिस तरह हमारी बॉडी में एमाइलेज एंजाइम है, इसी तरह कार्नियोर और हर्बिवोर में भी इसी तरह है। जेनेटिक कोड ऑफ प्रोटीन अमाइनो एसिड का जो कोड यानी AUG मेथियोनिन प्रोटीन को बनाता है उसके लिए जेनेटिक कोड है। हमारे बॉडी में भी यही मेथियोनिन बनाता है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी यही कोड है। इसी तरह जो भी कोड है, आपको पता है 64 जेनेटिक कोड है, तो वो जितनी भी कोड है हर एक कोड का क्या है, एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की बनाने का तरीका है, सबके सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे है, ठीक है। DNA और RNA पर भी जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो सबका DNA और RNA में यही थायमिन, नाइट्रोजीनियस बेस भी है, पेंटोस शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, ये सब कुछ उसी तरह। इसी तरह RNA में भी मैसेंजर RNA, ट्रांसफर RNA, राइबोसोमल RNA तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक जैसे है। इसी तरह हार्मोन भी, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर थायराइड ग्लैंड है, अगर पैराथायराइड ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन है, अगर टेस्टोस्टेरोन है, अगर एस्ट्रोजीन है, सारे हार्मोन एक ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, एक ही जैसे काम करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस जिस तरह ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के प्रोसेस पे ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो जिस तरह प्रोटीन सिंथेसिस हमारे बॉडी में बनती है, इसी तरह वहाँ पर दूसरे ऑर्गेनिज्म में भी प्रोटीन सिंथेसिस का यही काम है। ATP करेंसी ऑफ एनर्जी जिस तरह हमारे बॉडी में है, इसी तरह दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में यही ATP का स्ट्रक्चर है। इसी तरह अमाइनो एसिड और इसी तरह साइटोक्रोम जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्रोमोसोम इलेक्ट्रॉन चेन में इलेक्ट्रॉनों को कैरियर है साइटोक्रोम, जिस तरह दूसरे ऑर्गेनिज्म में साइटोक्रोम है इसी तरह हमारे बॉडी में है। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठा किया है, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एविडेंस से भी ये पता चलता है कि एंसेस्टर हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक है। अब इसके अलावा मॉलिक्यूल एम्ब्रियोलॉजी में भी यही काम है, ठीक है ना। और इसी तरह नेचुरल सिलेक्शन में भी एक वजह है, वो वहाँ पर भी एविडेंस मिल रहे हैं एनवायरनमेंट में। तो बहुत सारे ये सारे एविडेंस मिलकर हम इस बात को पहुँच जाते हैं कि न्यू स्पीशी आर इवॉल्व बाय डिसेंडेड विद मॉडिफिकेशन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। इजाज़त चाहता हूँ, फिर भी आखिरी हद तक तो हम नहीं जा सकते, ये डिबेट रहते दुनिया तक जारी रहेगा। चूँकि ये कोर्स का टॉपिक था इसलिए मैंने अपने तरफ से कोशिश की कि मैं आपको साबित कर सकूँ कि एवोल्यूशन हुआ है। हाँ, एक स्पीशी से, मछली से, फिश से एम्फीबिया बना है, एम्फीबिया से रेप्टाइल बना है, रेप्टाइल से बर्ड्स बना है, बर्ड्स से रेप्टाइल से मैमल बना है। ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि आपको साबित कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अगर लंबी हुई है तो चूंकि टॉपिक बहुत बड़ा था, यही आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पढ़ो लिखो ताकि आप एक बेहतरीन इंसान, कामयाब इंसान बनो। गिव रिस्पेक्ट, गेट रिस्पेक्ट के साथ इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।